हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज वेल। ये था अभी करंट फिजिक चेक। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थोड़ा लीन ही हूँ अभी, नॉट श्रेडेड बट लीन। और मैंने लास्ट दो या तीन दिन इतना गंद खाया है। कल मैंने हलवा खा लिया था, 5-6 रोटी खा गया था दाल के साथ। परसों मैं 3 डब्बे आइसक्रीम की खा गया था, फिर छोले भटूरे खाए थे, पता नहीं मुझे ध्यान भी नहीं, मैंने इतना गंद खाया लास्ट 3 दिन से। लेकिन अब मैं एक चेंज करने वाला हूँ, वो आप लोगों को बताता हूँ क्या। और मैं इतना लीन अभी भी क्यों लग रहा हूँ उसकी भी आप लोगों को एक वजह बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वजह है। तो देखो होता क्या है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी टाइम से एक डेफिसिट फॉलो करता हूँ, लीन रहता हूँ, बहुत सारे स्टेप्स चलता हूँ, बहुत सारी कैलोरीज बर्न करता हूँ। तो एक तरह से बॉडी का ना मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो जाता है और बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल लेवल्स, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो थोड़ा एलिवेटेड रहता है। तो एक दिन जब मैं एकदम से एक या दो दिन बहुत सारा खाना खाता हूँ, तो एक हार्मोन होता है ग्रेलिन। तुम्हारी बॉडी में दो ही हार्मोन होते हैं जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, एक तो तुम्हारा क्या कहते हैं थायराइड और एक ग्रेलिन। तो जब तुम एकदम से बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो वो एक तुम्हें सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है, तो ग्रेलिन को बूस्ट मिलता है, तो एकदम से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाता है। अगर मैं कोई चीज गलत बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, तो मतलब मेरे को माफ कर देना, क्योंकि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस जो पढ़ के लोगों से बात करके, मेडिकल एक्सपर्ट से बात करके समझ पाता हूँ, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसके अलावा रिसेंटली जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अपडेट हुई है। एक यूट्यूब पे चैनल है एंड्रियो हम्बरमैन का, उसे देखो, उसकी वीडियोस देखो, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपनी बॉडी के बारे में। दिन की शुरुआत ही ऐसे करता हूँ, सुबह उठता हूँ, सनलाइट लेता हूँ। सनलाइट इसलिए लेता हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे फायदे हैं सनलाइट के। स्पेसिफिकली तुम्हारे सर्केडियन रिदम में ये फायदा होता है कि जैसे ही तुम सनलाइट लेते हो तुम्हारी आंखों में जाती है, तो तुम्हारी बॉडी को, आसान भाषा में बताऊँ तो ऐसे पता चल जाता है कि भाई ठीक है, दिन शुरू हो गया, बी प्रिपेयर्ड फॉर द डे। और माइक्रो लेवल पे ये हो रहा होता है कि तुम्हारी आंखें दिमाग को सिग्नल भेज देती हैं कि अब से 16 घंटे बाद मेलाटोनिन रिलीज करना है। तो अगर मान लो मैं 8 बजे उठाऊं और मैंने सनलाइट में अपना टाइम बिताया है, तो मेरे दिमाग ने सिग्नल दे दिया कि अब से 16 घंटे बाद हमें सोना है, तो 16 घंटे बाद मेलाटोनिन रिलीज कर देना। अब इससे क्या होगा, जब 16 घंटे बाद रात हो जाएगी, रात कैसे 10-11 बज जाएंगे, तब तुम्हारा मेलाटोनिन रिलीज होएगा, नींद आने लगेगी, तुम टाइम से सो जाओगे, टाइम से उठोगे, अच्छी नींद सोओगे। और भाई नींद, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अल्टीमेट की है तुम्हारी बॉडी की परफॉर्मेंस को पीक आउट करने के लिए। सिर्फ तुम्हारी फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं, तुम्हारे दिमाग की परफॉर्मेंस, तुम्हारा क्या कहते हैं एंड्योरेंस, रिकवरी, हर चीज़ की बैकबोन स्लीप है। तो चाहे तुम कुछ भी करते हो, स्टूडेंट हो या कुछ भी करते हो, लिटरली नींद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो और एक अच्छी नींद को प्रायोरिटाइज करो, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं कल अपनी पहली गाड़ी ले रहा हूँ, तो उसके लिए एक जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं अभी वो भी दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर रहा हूँ, जुगाड़ ये कर रहा हूँ। ये एक स्टॉक है KPIT टेक, इसमें मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ इसमें, लेकिन मैंने एक स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये अभी 1590 चला जाएगा, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर मेरे एक तरह से कह सकते हो गाड़ी के पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में लिटरली अभी उतने ही पैसे हैं जितने की वो गाड़ी है, टॉट उतने पैसे हैं। तो कल जाऊंगा उसकी डिलीवरी लेने, कल का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो कल ही दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। थोड़ा एक्साइटेड हूँ, मेरी पहली सेल्फ अर्नड कार है ये। बाकी एंड्रयू हम्बरमैन की वीडियो देखी है सुबह उठते ही, बाहर जाके स्टेप्स करें सनलाइट में। अभी एक दो काम और हैं लैपटॉप पे, वो निपटाऊंगा और उसके बाद निकलूंगा जिम। बाकी जिस तरह से वन शॉट पेमेंट करके मैं गाड़ी ले रहा हूँ, ये कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। फार बेटर अप्रोच ये है कि आधे हम 50% के अराउंड अमाउंट की डाउन पेमेंट करो, बाकी 50% का लोन ले लो। अगर तुम्हारे पास कंप्लीट पेमेंट के पैसे तो भी लोन ले लो, और फिर जो पैसे बचे उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि अगर तुम मान लो 4-5 साल अपना लोन चलाते हो और उसी पैसे को तुमने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो तुम्हें मार्केट में इन्वेस्टेड पैसे से फार मोर रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू लोन के लिए जो तुम इंटरेस्ट दोगे। तो ये स्मार्टर अप्रोच है, मैं थोड़ा बददिमाग हूँ, तो मेरी तरह चीज़ें मत करना। अगर अपनी पहली गाड़ी या कोई भी चीज़ लो तो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट द मनी एंड टेक अ लोन। बाकी मैं भी पी रहा हूँ प्रोटीन, खत्म हो गया।
सही में खत्म हो गया। खैर दूसरा यूज करना पड़ेगा, बाकी ये मेरा फेवरेट गो टू फ्लेवर है इसका, आइसो जीरो आइसक्रीम चॉकलेट। 90% टाइम में ये यूज करता हूँ, बाकी 10% टाइम परफॉर्मेंस वे यूज करता हूँ। ये है जो भी यूज करूंगा इसकी जगह, बाकी कुछ किलो यूज माई कोड ईशान MD। ये मेरा इसका फेवरेट शेकर, मुझे ग्रे और ब्लैक कलर बहुत पसंद है हर चीज में, तभी देखो मैं हमेशा ब्लैक पहने घूमता रहता हूँ। आप में से कितने लोग पानी डाल के फिर वे डालते हैं या वे डाल के फिर पानी डालते हैं? क्योंकि मैं तो पानी डाल के फिर वे डालता हूँ, और मेरे को वे डाल के पानी डालने वाले लोग थोड़े साइकोपैथ लगते हैं। इसमें थोड़ी सी कॉफी भी ऐड कर रहा हूँ, आजकल मैं प्री वर्कआउट के लिए कॉफी ही यूज करता हूँ। टिपिकल प्री वर्कआउट्स यूज करने मैंने बंद करे हुए हैं क्योंकि उनमें कैफीन होता है थोड़ा ज्यादा, फिर उससे मेरी नींद अफेक्ट होती है। तो कॉफी से स्वीट स्पॉट हिट होता है, जितने वर्कआउट कर रहे हो उतने तुम्हें एक वो बम्प ऑफ एनर्जी बम्प ऑफ फोकस फील होता है, बाद में वो क्रैश डाउन हो जाता है जब क्रैश डाउन होना चाहिए, यानी कि रात में नींद अच्छी आती है। और अभी बस अपना मसले से स्टैक ऑर्डर करके मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ, और जो मैं नए स्टैक में अपना वे प्रोटीन ऑर्डर कराऊंगा वो मैं अनफ्लेवर्ड कराने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है अभी कमिंग 30-40 डेज के लिए शुगर को कम्प्लीटली कट ऑफ करने का अपनी डाइट में से। शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी में, और भी काफ़ी ब्लड प्रेशर व्रेशर काफ़ी चीज़ों के लिए बुरा है। लेकिन मैं जिस वजह से शुगर क्विट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, एक एक्सट्रीम डेफिसिट पे आता हूँ, एक्सट्रीम स्टेप्स करता हूँ, 22,000-23,000-24,000 लीन होता हूँ, फिर उसके बाद मेरा ऐसे क्रैश होता है जैसे अभी 2-3 दिन से मैंने बताया कि मैं कुछ भी खा रहा था। तो अब मैं एक स्लो अप्रोच फॉलो करने की सोच रहा हूँ कि अपना 2400-2500 कैलोरीज खाओ, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाओ, 10,000 फिर 15,000 फिर एंड के पीक वीक में 20,000, क्योंकि मैं एक शूट करने के लिए सोच रहा हूँ। मैंने जब आज से 6-7 साल पहले ट्रेनिंग शुरू करी थी, मैं कुछ फोटोज जैसे और जो फिटनेस मॉडल्स वगैरह थे उनकी फोटोज का स्क्रीनशॉट ले लेता था, ये सोच के कि जब मेरी फ्यूचर में कभी बॉडी बन जाएगी तो मैं ऐसी फोटोज खिंचवाऊंगा। तो कभी मौका ही नहीं लगा, बॉडी बन गई है तो सोच रहा हूँ कि वो शूट्स करवा लिए जाए। और अभी एक मसल बेस का शूट हुआ था जिसपे मैं साकेत से मिला था, साकेत भी एक अपना क्या कहते हैं उसने शूट कराया जिसके लिए उसने पूरी जर्नी अपनी डॉक्यूमेंट करी थी, उससे बात करके और वो पूरा देख के मेरे को थोड़ी मोटिवेशन आई कि मैं भी अपना एक शूट वगैरह करवाता हूँ और जो जो फोटोज सोची थी वैसी फोटोज खिंचवाता हूँ। लेकिन इस बार मैं ऐसे अपनी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाऊंगा, और शुगर क्विट करने की वजह ये है कि शुगर से क्या होता है तुम्हारी क्रेविंग्स बढ़ती हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इसमें शुगर है ये पी ली तो मेरे लिए डेफिसिट पे रहना और उसे फॉलो करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाए, मेरे को खाने की और ज़्यादा क्रेविंग होगी। और उसके अलावा जो और अदर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं शुगर को क्विट करने से वो भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है ऐसा मैंने सुना है। तो हाँ ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी करूँगा। जिम तो मैं पहुँच गया हूँ, अभी आर्यन का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज करी है ओवर द ईयर्स, मोर इज नॉट ऑलवेज गुड। जरूरी नहीं है कि आप जिम में आके 6-7-8-10 एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारे सेट्स कर रहे हो। अगर तुम 3-4 एक्सरसाइज करते हो लेकिन क्वालिटी सेट्स निकालते हो, यू पुश टिल फेलियर, यू गिव योर 100% ईच सेट में, तो दैट इज़ मोर देन इनफ मोस्ट ऑफ द केसेज में। अभी जैसे मेरा पुश वर्कआउट है, मैं एक शोल्डर की प्रेसिंग मूवमेंट करूँगा, एक चेस्ट की प्रेसिंग मूवमेंट करूँगा, लैटरल रेजेस करूँगा, और उसके साथ एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज करूँगा और एक बाइसेप की एक्सरसाइज करूँगा। तो एग्जैक्टली उसे पुश नहीं बोल सकते, एक तरह से अपर बॉडी बोल सकते हो इसे, लेकिन जो सेट्स होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी सेट्स होते हैं। तो चलो अब जिम में मिलते हैं और आज का वर्कआउट देख सकते हैं आप लोग। Thank you.
वर्कआउट तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार, ये तो क्रैश कर गया स्टॉक। सुबह ये 1575 पे था और मेरा परचेज 1560 का है, तो मैं 15 रुपए के पर शेयर प्रॉफिट में था, अभी 1545 का हो गया है, तो लॉस में चला गया यार। मैंने 1585 का स्टॉप लॉस लगाया था, यही होता है शेयर मार्केट में, तुम कुछ खास बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली मेरे जैसा न्यूबी, मेरे को तो लगा था चला जाएगा यार 1585 के आसपास।